हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है फुल रिन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फुल रिन किसे कैसे हैं उसका सेप कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कैसी होती है उसका अपियरेंस एंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगी व्हाट इज येलो

कार्बन के तीन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप से डायमंड ग्रेफाइट एंड फुलर्रिन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर नेचुरल एलोट्रोप्स कार्बन के तीन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स में से डायमंड एंड ग्रेफाइट नेचुरल एलोट्रोप्स से जबकि फुलरिन जिसका सिंथेसिस 1985 में किया गया था वो तीसरा फॉर्म फुलरिन मैन मेड एलोट्रॉप है आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन फुलरिन वॉज डिस्कवर्ड बाय स्मोले कर्ल एंड क्रोटो हु एवॉर्डेड द 1996 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर देयर वर्क फुलरिन का डिस्कवर स्मॉले करल एंड क्रोटो ने किया था फुल्लिन के कवर के लिए उन तीनों को 1996 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज नॉट फिक्स इन डायमंड एंड ग्रेफाइट कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स ग्रेफाइट डायमंड एंड फुलर्रिंस में से दो फॉर्म डायमंड एंड ग्रेफाइट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फिक्स नहीं होते बट इन फुलर्रिंस टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज फिक्स बट कार्बन के तीसरे एलोट्रॉप्स फुलरिनस में टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम फिक्स होते हैं यानी कि कार्बन की संख्या फिक्स होती है वी कैन राइट द एम्पेरिकल फार्मूला और फुलरिन एज सी एन वेर एन इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन फॉर एग्जाम्पल सी सिक्सटी सी सेवेंटी सी सेवेंटी सिक्स सी एटी फोर एट्सेट्रा फुल्रिंस में कार्बन की संख्या फिक्स होती है इसलिए फुलरिंस के एम्परिकल फॉर्मूला को सी एन से लिखा जाता है जो एन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम की संख्या है फॉर एग्ज़ाम्पल सी सिक्सटी में टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन सिक्सटी है सी सेवेंटी जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम सेवेंटी है सी सेवेंटी सिक्स में टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन सेवनटी सिक्स है एंड सी एटी फोर में टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन एटी फोर है सेप ऑफ फुलर्रिन द शेप ऑफ फुलर्रिन सी सिक्सटी इज फुटबॉल लाइक विच कंटेन हेक्जागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स फुलर्रिन में से सी सिक्सटी का सेप फुटबॉल जैसा है जिसमें हेग्जागोनल एंड पेंटागोनल रिंग प्रेजेंट है सी सिक्सटी इज ऑल्सो कॉल्ड बकमिंस्टर फुलर्रिन बिकॉज इट्स सेप इज सिमिलर टू द शेप्स ऑफ जियोडेसिकॉम्स डिजाइन एंड बिल्ट बाय आर्किटेक्ट इंजीनियर रिचार्ड बकमिंस्टर फुलर सी सिक्सटी को बकमिंस्टर फुलरिन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अमेरिकन आर्किटेक्ट इंजीनियर रिचार्ड बकमिंस्टर फुलर जिसने जियोडेसिक डॉम्स का डिज़ाइन बनाई थी और उसका बिल्ट कंस्ट्रक्शन किया था सी सिक्सटी का सेव जियोडेसिक डोम से मिलता है इसलिए बक मिस्टर फुलर के सम्मान के लिए उसके ऑनर में सी सिक्सटी का नाम बक मिंस्टर फुलरिन रखा गया है जिसमें इन सफिक्स इंडिकेट करता है डबल बॉन्ड को सी सिक्सटी इज ऑल्सो कॉल्ड बकी बॉल ड्यू टू देर स्पेरिकल कॉन्फिगुरेशन स्पेरिकल कॉन्फिगुरेशन की वजह से सिक्सिक्सटी को बकी बॉल से भी जाना जाता है द सेप ऑफ फुलडिन सी सेवेंटी इज रग्बी बॉल लाइक ओवेल सेफ जबकि फुल सी सेवनटी का सेप रग्बी बॉल जैसा ओवेल सेफ है प्रिपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ फुल्स फुलर्रीनस आर प्रिपेयर बाय वेपराइजिंग अ ग्रीफाइड रोड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन एन इनर्ट गैस हीलियम और आर्गन एटमोस्फियर ग्रेफाइड रोड का इलेक्ट्रिक आर्क में इनर्ट गैस हीलियम और आर्गन के एटमोस्फियर में वेपराइजेशन से फुल्डिन का प्रिपरेशन किया जाता है द सुटी मटीरियल फॉर्म्ड बाय कंडेन्सेशन ऑफ वेपराइजेशन इज अ मिक्सर ऑफ मेनली सी सिक्सटी सी सेवनटी एंड ट्रेस ऑफ पुलरीन कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अप टू थ्री फिफ्टी और एबव विच आर सेपरेटेड बाय सॉलवेंट एक्सट्रैक्शन ग्रेफाइड रॉड के वेपर का कंडें करने से सूटी मटेरियल का फॉर्मेशन होता है जिसमें वेरियस फुलर्रिन का मिक्सर होता है उस मिक्सर में मेनली सी सिक्सटी प्रेजेंट होता है दूसरे फुलरिन में सी सेवेंटी एंड इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले फुलरिन ट्रेस अमाउंट में होते हैं जिसमें 350 और उससे ज्यादा कार्बन वाले फुलड्रिन भी प्रेजेंट होते हैं जिसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के द्वारा सेपरेट किया जाता है प्योर सी सिक्सटी इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस मिक्सर बाय कोलम क्रोपेंडोग्राफी प्योर सी सिक्सटी को कोलम क्रोपेंडोग्राफी की मदद से मिक्सर में से आइसोलेट किया जाता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी सिक्सटी इज डिटरमाइंड बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी एक्सरे विवर्तन के अभ्यास द्वारा सी सिक्सटी का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया फुलरिन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू ग्रेफाइट कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स में से फुलरिन का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से मिलता दुलता है ग्रेफाइट कंटेन ओनली हेक्सागोनल रिंग्स बट फुलरिन इज फुटबॉल लाइक विच कंटेन हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स। ग्रेफाइट में सिर्फ हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होती है जबकि फुलरिन सी सिक्सटी जिसका सिप फुटबॉल जैसा है और फुल्लिन सिक्स सिक्सटी में हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग प्रेजेंट होती है इट कंटेन्स सिक्सटी वर्टाइस एंड थर्टी टू फेस आउट ऑफ विच ट्वेंटी सिक्स मेंबर रिंग यानी कि हेक्सागोनल फेस एंड ट्वेल्व फाइव मेंबर रिंग पेंटागोनल सेफ यहाँ सी सिक्सटी का मेलकिल दिखाया है जिसका सेव फुटबॉल जैसा है जिसमें पेंटागॉन फाइव मेंबर रिंग एंड एक्सागॉन सिक्स मेंबर रिंग प्रेजेंट है टोटल नंबर ऑफ कार्बन सी सिक्सटी है यानी कि सिक्ससी सिक्सटी वर्टाइस है और थर्टी टू फेस है थर्ट थर्टी टू फेस में से ट्वेंटी एक्जागोनल फेस है और ट्वेल्व पेंटागोनल फेस प्रेजेंट है कार्बन एटम इज प्रेजेंट एट ईच वर्टेक्स हर हरेक वर्टेक्स पे एक कार्बन एटम प्रेजेंट है ईच पेंटागोनल इज सराउंडेड

रिंग के सराउंडिंग में फाइव एग्जागोन्स एग्जागोनल रिंग होती है जबकि एग्जागोनल रिंग में के सराउंडिंग में थ्री पेंटागोन एंड थ्री एग्जागोन रिंग्स प्रेजेंट है जबकि दो पेंटागिन पेंटागोन रिंग्स एक दूसरे के नज़दीक नहीं है यानी कि एडजस्टेंट में नहीं है द पेंटागोनल रिंग कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड दो रिंग एक्सागोनल और पेंटागोनल में से पेंटागोनल रिंग में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है जबकि एक्सागोनल रिंग में सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है C60 सिक्सटी में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम सिक्सटी है हर एक कार्बन एटम दूसरे तीन कार्बन से जुड़ा है जिसमें दो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से और एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है यानि कि टू टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है जिसमें सिंगल बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होगी टू टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है जिसमें 1.43 पॉइंट बॉन्ड लेंथ फाइव एंड सिक्स मेंबर के रिंग के बीच है यहाँ फाइव एंड सिक्स मेंबर रिंग के बीच वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो वन पॉइंट फोर्टी थ्री स्ट्रॉन्ग है जबकि दो सिक्स मेंबर रिंग के बीच वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ में कटौती होती है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है यानी कि दो हेक्सागोनल रिंग के बीच वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.40 पॉइंट है इस कार्बन इज अ पार्ट ऑफ वन पेंटाकोन एंड टू हेक्सागोन अरे एक कार्बन एक पेंटाकोन एंड दो हेक्सागोन रिंग का पार्ट है वैलेंसी ऑफ इच कार्बन एटम आर सेटिस्फाई बाय टू सिंगल बॉन्ड एंड वन डबल बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी चार होती है और जो दो सिंगल बॉन्ड एंड वन डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है यानी कि कार्बन कार्बन हर एक कार्बन एक सिंगल बॉन्ड दोस एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है यानी कि ऑल द कार्बन ऑफ सी सिक्सटी आर एस पी टू हाइब्रिडाइज यानी कि सी सिक्सटी में हर एक कार्बन एस पी टू हाइब्रिडाइज है द बॉल सेफ सी सिक्सटी मॉलिक्यूल हैज़ 90 कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम आउट ऑफ विच सिक्सटी सिंगल बॉन्ड एंड थर्टी डबल बॉन्ड्स सी सिक्सटी जिसका बॉल फुटबॉल जैसा है जिसमें टोटल नाइन्टी कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड है जिसमें सिक्सटी सिंगल बॉन्ड एंड थर्टी डबल बॉन्ड है एपियरेंस सी सिक्सटी फुलड्रिन डज नॉट लुक द सेम एज डायमंड एंड ग्रेफाइट फुल्रीन सी सिक्सटी का लुक डायमंड एंड ग्रेफाइट जैसा नहीं है इट इज रेडिस ब्राउन सॉलिड हुज थिकर फिल्म आर ग्रीनिश ब्लैक उसका सॉलिड फॉर्म रेडिस ब्राउन कलर का है जबकि उसका थिकर फॉर्म थिकर फिल्म ग्रीनिश ब्लैक कलर की है एंड इट गिव्स वाइन रेड कलर्ड सॉल्यूशन इन बेंजिन फुल्रीन वाटर में इन है जबकि ऑर्गेनिक सोल्ट में सोल्यूबल है और बेंजिन में उसका सोल्यूशन बनाने से वो वाइन रेड कलर का सोल्यूशन बनता है एप्लीकेशंस फुलरिन इज़ यूज एज अ लुब्रिकेंट एंड कैटालिस्ट सी सिक्सटी इज अ सॉफ्ट मटेरियल फुलरिन का यूज लुब्रिकेंट एंड कैटालिस्ट में होता है और उसमें C60 सिक्सटी सॉफ्ट मटेरियल है फुल हैव द एबिलिटी टू डोनेट एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, देअर फॉर दे कैन बी यूज इन बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फुल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी की वजह से उसका यूज़ बैटरी में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है फुल इज यूज इन मेडिकल एंड ट्यूमर रिसर्च मेडिकल एंड ट्यूमर रिसर्च कैंसर की गांठ का संशोधन करने में भी फुल का यूज किया जाता है फुल इज यूज टू लाइट एक्टिवेटेड एंटी माइक्रोबायल एजेंट वी कैन यूज़ सी सिक्सटी बेज्ड फिल्म फॉर फोटो वाल्टिक एप्लीकेशन सी सिक्सटी बेज वाली फिल्म का यूज़ फोटोवल्टिक वॉल्टिक एप्लीकेशन में भी किया जाता है थैंक यू फॉर वॉचिंग